आपको ये जो सब्जेक्ट रहेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस, ये सब्जेक्ट आपको, ये टॉपिक हमेशा आपको रहेगा ही। कहीं पर भी आप अगर टैक्स की स्टडीज करते हो तो रेसिडेंशियल स्टेटस रहता है। और ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आपको एक्सप्लेन करना होता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, टैक्स इंसिडेंस क्या है, किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग लोगों के इनकम पे। ओके, सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे। लेट मी स्टार्ट माई स्क्रीन। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस के जो नोट्स हो गए वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ही, लेकिन फिलहाल हम जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड। आपको वो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लेने हैं। ओके, सो एक एक करके हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंट एंड सिटीजन। ओके, रेसिडेंट और सिटीजन में क्या फर्क होता है, पहले तो ये हम लोग जो है वो जानेंगे कि दोनों में कुछ डिफरेंस है या दोनों के दोनों सेम है, या व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंट एंड सिटीजन। तो रेसिडेंट का मीनिंग क्या है और सिटीजन का मीनिंग क्या है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सिटीजन का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानो। सिटीजन मींस एक ऐसा पर्सन जिसका किसी एक कंट्री में बर्थ हुआ है। ओके, सिटीजन मींस एक ऐसा पर्सन जिसका किसी एक कंट्री में बर्थ हुआ है, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, सिटीजन कहेंगे। ओके, फिर रेसिडेंट का क्या मतलब होगा। ओके, फिर रेसिडेंट का क्या मतलब होगा, तो ये डिफरेंस हम लोग पहले। रेसिडेंस हाँ मीन्स, बोलो बोलो। रेसिडेंस मीन्स सर जो यहाँ पे रहता है बट जिसका बर्थ यहाँ पे नहीं हुआ। जो यहाँ पे रहता है ये बराबर है, लेकिन जिसका बर्थ यहाँ पे नहीं हुआ है, ये एक कंडीशन जो है, ये कंडीशन कभी कभी एप्लीकेबल होगा और कभी कभी एप्लीकेबल नहीं भी होगा। ओके, ये कैसे काम करता है ये कंडीशन, ये देखते हैं हम लोग पहले। तो पहले तो सिटीजन कौन होता है। सिटीजन जैसे कि हम यहाँ पे अगर बात करें इंडियन सिटीजन की, ओके, तो इंडियन सिटीजन या भारत का नागरिक किसको कहेंगे हम, ऐसा पर्सन जिसका इंडिया में जिसका बर्थ जो है वो इंडिया में हुआ है, उसे हम इंडियन सिटीजन कहेंगे। ओके, ऐसा सभी पर्सन जिसका बर्थ जो होता है वो इंडिया में होता है, उनको हम क्या कहते हैं, इंडियन सिटीजन कहते हैं। फिर रेसिडेंट मतलब इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो इंडिया में रहता है। ओके, वन हु लिव्स इन इंडिया। ओके, तो इंडिया में रहने वाले को हम कहते हैं रेसिडेंट। समझ में आ रहा है। सिटीजन मींस जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है उसे हम सिटीजन कहते हैं, इंडियन सिटीजन। वैसे ही अगर किसी पर्सन का बर्थ जर्मनी में हुआ है तो वो जर्मन सिटीजन होगा। किसी का बर्थ अगर अमेरिका में हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, अमेरिकन सिटीजन। ओके, तो सिटीजन मींस, सिटीजन ऑफ एनी कंट्री मींस जिस कंट्री में उस पर्सन का बर्थ हुआ है उसको हम, उस पर्सन को उस कंट्री का सिटीजन कहेंगे। अच्छा, ये बात हमेशा नेसेसरी नहीं होगी कि आपका जिस कंट्री में बर्थ हुआ है उसी कंट्री में आप रेसिडेंट भी हो, ऐसा जरूरी नहीं होगी। ओके, ऐसा जरूरी नहीं होगा कि जिस कंट्री में आपका बर्थ हुआ है उसी कंट्री में आप रहोगे। बहुत बार कैसा होता है कि आप, कुछ लोग जैसे होते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, सपोज एक पर्सन अमेरिकन है। ओके, एक पर्सन अमेरिकन है, पूरा स्क्रीन आने दो मेरा आपके स्क्रीन पे। ओके, एक अमेरिकन पर्सन है, वो पहले तो बताओ कि इसका अगर बर्थ अमेरिका में हुआ है, ओके, इसका अगर बर्थ अमेरिका में हुआ है तो इस पर्सन को हम कौन से कंट्री का सिटीजन कहेंगे।
अमेरिकन ओके, इसको हम अमेरिका का सिटीजन कहेंगे। लेट अस से कि वो अपने काम के सिलसिले में अमेरिका छोड़कर इंडिया में आ गया है। ओके, इंडिया में किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में वो काम करता है और सालों से वो इंडिया में रह रहा है। तो यहाँ पे भले ही वो अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन सिंस ही इज लिविंग इन इंडिया, सिंस ही इज वर्किंग इन इंडिया, हम उसे इंडियन रेसिडेंट कहेंगे। ओके, उसे क्या कहेंगे हम लोग? इंडियन रेसिडेंट कहेंगे। आपको डिफरेंस समझा, मीनिंग समझा रेसिडेंस और सिटीजन का? ओके, अब यस सर। वैसे ही अगर एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ओके मिस्टर एक्स, ही वॉज बॉर्न इन लेट अस से बेंगलोर के, बेंगलोर में उसका बॉर्न हुआ था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज इंजीनियरिंग किया और उसके बाद वो जर्मनी शिफ्ट हो गए। ओके, तो यहां पे मिस्टर एक्स को हम क्या कहेंगे? कौन से कंट्री का सिटीजन है मिस्टर एक्स? बेंगलोर, इंडिया। इंडिया, बेंगलोर नहीं। कौन से कंट्री का सिटीजन है? इंडिया का सिटीजन है। लेकिन रेसिडेंट है क्या? इंडिया का रेसिडेंट है क्या? काम करने वो कहाँ चले गए? जर्मनी चले गए। तो उसके हम इंडिया के लिए, जब हम इंडिया के लिए बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया या NRI। ओके, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा NRI। NRI मीन्स वॉट? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इस तरीके से जो रेसिडेंट होता है और जो सिटीजन होता है उसमें फर्क होता है। ओके, आप जिस कंट्री के सिटीजन हो उसी कंट्री के आप रेसिडेंट हो गए ये जरूरी नहीं है। अगेन, आप जिस कंट्री में रेसिडेंट हो उसी कंट्री के आप सिटीजन हो गए ये भी जरूरी नहीं है। ओके, तो सिटीजनशिप इज डिफरेंट, रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिफरेंट। ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ बोलो, किसको क्या प्रॉब्लम है? शुभम, रेसिडेंट और सिटीजन में सर अक्षय कुमार भी एक एग्जांपल है सर, वो कैनेडियन एक्टर है लेकिन रहता इंडिया में। बराबर, ओके, उनके पास सिटीजनशिप जो है वो कैनेडियन सिटीजनशिप है, लेकिन ही वर्क्स इन इंडिया। तो जब हम इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए अक्षय कुमार को रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन पे हम जो आते हैं कि भाई ये क्या जरूरत होती है रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने की, जरूरत क्या होती है? ओके, सिटीजन है ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने की क्या जरूरत होती है? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से सबने सुनना है कि ये क्यों जरूरी होता है। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि इंडिया में आपको जो भी इनकम होती है, ओके, इंडिया में आपको जो भी इनकम होती है उस पर आपको क्या पे करना होता है? इनकम टैक्स। ओके, उस पर आपको क्या पे करना होता है? तो उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। ओके, अब इनकम टैक्स कौन पे करेगा? इनकम टैक्स कौन पे करेगा? तो SSC पे करेगा। ये सब डिस्कशन हो चुका है हमारा, अब पूछना मत मुझे कि SSC कौन होता है। सबको आई होप पता है SSC कौन होता है। SSC कौन होता है? अगला क्वेश्चन, SSC कौन होता है? तो SSC एक ऐसा पर्सन होता है जिसको टैक्स पे करना होता है। ओके, टैक्स पे करने को एबल होता है वो पर्सन, करेक्ट। तो SSC एक ऐसा पर्सन होता है जिसको टैक्स पे करना होता है। ओके, ये फ्लो समझ रहा है आपको? इंडिया में आपको इनकम पर इनकम टैक्स पे करना है। ओके, कौन इनकम टैक्स पे करेगा? तो SSC पे करेगा। कौन सा SSC पे करेगा? SSC कौन होता है? तो ऐसा पर्सन जिसको टैक्स पे करना है। ओके, अब पर्सन के 7 कैटेगरीज होते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पर्सन के 7 कैटेगरीज होते हैं, इंडिविजुअल, फिर और कौन से थे? एक HUF था, एक पार्टनरशिप फर्म था, कंपनी थी, AOP, BOI, और क्या थे दूसरे? एनी अदर आर्टिफिशियल नॉन ज्यूरिडिशन पर्सन। ऐसे
बहुत सारे 7 पॉइंट्स टोटल में हम लोगों ने फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पर्सन के डेफिनेशन में डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है कि पर्सन टैक्स पे करेगा, ठीक है, लेकिन पर्सन अपनी कौन सी इनकम पे टैक्स पे करेगा और कौन सा पर्सन टैक्स पे करेगा, ये दो क्वेश्चन आते हैं। तो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि अभी आपने ही एक एग्जाम्पल दिया मुझे अक्षय कुमार का, ओके, आपने सभी ने, आपने से एक स्टूडेंट ने मुझे एग्जाम्पल दिया अक्षय कुमार, ओके, अक्षय कुमार इज अ रेसिडेंट ऑफ कैनेडा, ओके, लेकिन कैनेडियन फिल्म्स में काम करते हैं क्या अक्षय कुमार? नहीं, वो कहाँ काम करते हैं? तो ही वर्क्स इन बॉलीवुड। बॉलीवुड कहाँ पे है? इंडिया में है, ओके, अक्षय कुमार की पिक्चरें कहाँ पे रिलीज होती है? इंडिया में होती है, बाहर भी होती है, लेकिन हम अभी अज्यूम करते हैं कि वो काम इंडिया में करते हैं। तो इंडिया में सबसे पहले मूवीज रिलीज होती है, अक्षय कुमार को जो इनकम मिलती है, ओके, अक्षय कुमार को जो इनकम मिलती है वो इनकम जो इंडिया में रिलीज हुई गई मूवीज है उससे मिलने वाली इनकम पे टैक्स अक्षय कुमार कहाँ पे करेगा? इंडिया में पे करेगा। इंडिया में क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार जो है वो, अभी यहाँ पे क्योंकि नहीं, पहले हम कब पूछेंगे, अक्षय कुमार इंडिया में टैक्स कब पे करेगा? अगर वो इंडिया का रेसिडेंट है तो, ओके, क्योंकि यहाँ पे सिटीजन तो है ही नहीं अक्षय कुमार, ओके, अक्षय कुमार कौन से कंट्री का सिटीजन है? तो कनाडा का सिटीजन, ओके, तो सिटीजन तो है ही नहीं इंडिया का, रेसिडेंट है या नहीं ये हम चेक करेंगे अक्षय कुमार के लिए कि भाई अक्षय कुमार रेसिडेंट है या नहीं है। अगर वो रेसिडेंट है तो इंडिया में से उसको जो भी इनकम हो रही है उस इनकम पर टैक्स जो है अक्षय कुमार को पे करना पड़ेगा, इंडियन इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा, वैसे ही अगर अक्षय कुमार रेसिडेंट है, ओके, पूरा पक्का रेसिडेंट है, अगर भले सिटीजन नहीं है लेकिन अगर वो पक्का रेसिडेंट है, रेसिडेंशियल के सभी रूल्स उस पर अगर अप्लाई करते हैं, तो एक और चीज यहाँ पे हम करेंगे कि हो सकता है कि कनाडा में भी कुछ उसको इनकम होती हो, ओके, हो सकता है कि कनाडा में भी अक्षय कुमार को कुछ इनकम होती हो। तो कनाडा की जो इनकम है, अभी अक्षय कुमार रह कहाँ पे रहा है? वेयर इज ही स्टेइंग लिविंग? इंडिया। इंडिया। ये जो कनाडा में भी इनकम होगी ये किसके पास आने वाली है? अक्षय कुमार के पास ही आने वाली है? इंडिया में ही आएंगी? यस और नो? ये इनकम भी इंडिया में आएंगी? तो ये जो कनाडा, कनाडा से आने वाली इनकम है इस पर भी टैक्स लगेगा इंडिया में। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार जो है वो इंडियन रेसिडेंट है, समझा? रेसिडेंट, ओके, जो इंडियन रेसिडेंट होता है उसे अपनी इंडियन इनकम पे भी और फॉरेन इनकम पे भी, ठीक है, ध्यान से सुनो, इंडियन रेसिडेंट जो होता है उसे अपनी इंडियन इनकम पे भी और फॉरेन इनकम पे भी, दोनों ही जगह पे, जो अगर वो इंडिया का रेसिडेंट है तो उसको दोनों ही इनकम पे टैक्स पे करना होता है, ओके, ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं अभी हम लोग, कोई कंडीशंस, कोई रूल्स वगैरह तक नहीं पहुंचे, जस्ट बेसिक डिस्कशन चल रहा है इनकम टैक्स में कि जो रेसिडेंट होगा उसे अपनी इंडिया की भी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा और इंडिया से बाहर भी जो भी उसने इनकम कमाई होगी वो इनकम अगर इंडिया में आ रही है, वो इनकम अगर इंडिया में आ रही है तो उस पर भी उसको टैक्स पे करना होगा, इनकम टैक्स उसको पे करना जरूरी है। ये पहला पॉइंट समझा आपको? Yes, sir. अभी थोड़ा सा Yes, sir. अभी थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अक्षय कुमार का एग्जांपल ले लिया, अभी प्रियंका चोपड़ा का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फिल्म स्टार्स के एग्जांपल लिए तो जल्दी समझ में आता है टैक्स। तो प्रियंका चोपड़ा कौन है? एक्ट्रेस। ओके, एक्ट्रेस है। करियर कहाँ से शुरू हुआ था प्रियंका चोपड़ा का?
इंडिया। अभी कहाँ पे काम करते हैं प्रियंका चोपड़ा? इंडिया में काम करते हैं क्या? सर दोनों काम करते हैं ना, अमेरिका भी इंडिया भी। करेक्ट, लेकिन ज्यादा से ज्यादा काम अभी वो कहाँ पे करते हैं? अमेरिका में करते हैं, अमेरिका अमेरिकन मूवीज में काम करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रियंका चोपड़ा को सिटीजन जब डिफाइन करेंगे कि भाई प्रियंका चोपड़ा जो है वो कौन से कंट्री की सिटीजन है, तो हम कहेंगे कि शी इज एन इंडियन सिटीजन। ओके, सिटीजन कहाँ के हैं? इंडिया के। इंडिया। ओके, आगे ध्यान से देखो, अभी हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस, इसके रूल्स वगैरह बाद में देखेंगे ही हम लोग अगले लेक्चर्स में, या इस लेक्चर में हम लोग शुरू कर देंगे टाइम देख के। रेसिडेंशियल स्टेटस जब आप प्रियंका चोपड़ा का कैलकुलेट कर रहे थे, तब आपको ये बात पता चला कि प्रियंका चोपड़ा तो इंडिया की रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट। ओके, एज्यूम करते हैं कि प्रियंका चोपड़ा जो है वो इंडिया की रेसिडेंट नहीं है, नाउ शी लिव्स इन फॉरेन कंट्री। ओके, शी वॉज बॉर्न इन इंडिया, इंडिया में शी वॉज बॉर्न, सिटीजन थी इंडिया की, लेकिन अब वो कहाँ पे रहती है? फॉरेन कंट्री में रहती है, तो शी इज अ नो लॉन्गर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा की जो इनकम्स होगी, अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्रियंका चोपड़ा को इंडिया से कोई इनकम नहीं होगी। ओके, सबसे पहले आप इस्टेब्लिश करोगे कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर प्रियंका चोपड़ा नॉन रेसिडेंट है तो यहाँ पे उनकी इनकम का क्या होगा? अभी देखिए प्रियंका चोपड़ा की इनकम को देखते हम लोग। प्रियंका चोपड़ा को इनकम लेटर से दो जगह से हो रही है, इंडिया में वो जो काम करती है। ओके, हो सकता है ना कि इंडिया में वो आती है, जो उनके शूट्स वगैरह होते हैं वो करती है और फिर से फॉरेन कंट्री चली जाती है, तो इंडिया में वो जो काम करती है उससे भी उसको इनकम होगा होगा, और फॉरेन जहां पे भी वो रहते हैं वहां से भी उनको इनकम होगा। अब प्रियंका चोपड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, तो यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा की सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पर ही टैक्स लगेगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि प्रियंका चोपड़ा इंडिया आई और आपने उसको कहा कि नहीं ठीक है आपने फॉरेन में क्या क्या कौन से रोल किए, कितना पैसा कमाया डॉलर में, सब पे इंडिया में टैक्स पे करो, ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि प्रियंका चोपड़ा जो है वो नॉन रेसिडेंट इंडियन है। ओके, तो जो नॉन रेसिडेंट होते हैं उनको अपनी सिर्फ अपनी इंडिया से हुई इनकम पे ही टैक्स पे करना होता है इंडिया में, लेकिन जो रेसिडेंट होते हैं उनको इंडिया की इनकम पे भी टैक्स पे करना है, और इंडिया के बाहर से भी जो आपको इनकम हो रही है वो इनकम पे भी आपको टैक्स पे करना है। ये समझ में आ रहा है आपको? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके। यस। अभी तक हमने हमारा चैप्टर पढ़ना है। हाँ सर, मींस अगर मतलब प्रियंका चोपड़ा NRI है तो मींस टैक्स रूल उसके लिए चेंज हो जाएंगे। हाँ, टैक्स या नहीं? टैक्स रूल वही रहेंगे, लेकिन कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा ये चेंज हो जाएगा। ओके ओके, मतलब आपकी जो इनकम, आपकी जब इनकम कैलकुलेट होती है ना, तो वो पांच हेड में होती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। ओके, ये जब भी पांच अलग अलग सोर्सेस होते हैं, इससे जो भी इनकम कैलकुलेट होती है ये आपकी पूरी दुनिया में जहां से भी आपको इनकम होगी, जैसे कि अगर मैं सपोज इंडिया में रहता हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर लंडन में मेरी एक दुकान है जिसका रेंट आता है, तो वो दुकान पे जो रेंट आता है मुझे, मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ तो इंडिया में मैं उस दुकान के ऊपर जो भी मुझको इनकम हो रहा है उस पर टैक्स पे करूंगा। ओके, लेकिन ये कब होगा? जब मैं रेसिडेंट हूं तब। अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी इंडियन इनकम पे ही टैक्स पे करूंगा, इंडिया के बाहर की इनकम पे मैं टैक्स पे करूंगा नहीं। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट आपके समझे सबको, रेसिडेंट और सिटीजन में क्या फर्क होता है ये समझा, पहली बात। सेकेंड, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में क्या फर्क होता है ये भी समझा। ओके, अटेंडेंस हो चुकी है, अब हम फिर से शुरू करेंगे लेक्चर। सो हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिस्कशन कर रहे थे। हमने अब तक जो डिस्कशन किया है वो रेसिडेंट और सिटीजन में क्या डिफरेंस होता है,
ओके, रेसिडेंस और सिटीजन में क्या डिफरेंस होता है और रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में क्या डिफरेंस होता है, इस चीजों पर हमारा जो है वो डिस्कशन चल रहा है. ओके, थोड़ा सा अभी हमारा जो नोट्स है वो भी देख लेते हैं एक बार. ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस. अगर आप मेरी नोट्स देखोगे, आज ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सिर्फ 3 पेजेस की नोट्स है. ओके, इसका मतलब बहुत ही छोटा चैप्टर है क्या? नहीं, मेरी जो नोट्स होती है वो छोटी होती है. ओके, आई डोंट गिव लार्ज नोट्स, 3 ही पेज की नोट्स दूंगा मैं, लेकिन एकदम कंसाइज नोट्स है वो. वो मेरी नोट्स का एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है. ओके, सो सर मुझे यूट्यूब ची वीडियो टाकले ती रेफर करायचे का? हाँ, मेरे ही वीडियोस है. तो मतलब वो नोट्स के नोट्स नहीं देंगे आप, सिर्फ वो वीडियो रिफर करने? नहीं 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 नहीं, नोट्स दूंगा ना आपको, नोट्स आपको सभी मिलेगी. ओके, जो वीडियोस होते हैं मेरे वो एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए होते हैं. ओके, तो वीडियोस अलग है, क्लासरूम की टीचिंग हमारी अलग है और नोट्स अलग है. तीनों चीजें मिलेंगी आपको. ओके, तीनों चीजें आपको रेफर भी करनी है. अब देखिए यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल डिस्कस कर रहे हैं. ओके, तो अब देखिए, ऊपर हमने बहुत सारे अलग अलग पढ़े हैं कि पर्सन कौन से होते हैं. ओके, पर्सन या जो भी होते हैं वो 7 कैटेगरीज में होते हैं. इंडिविजुअल्स, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वगैरह वगैरह. ओके, लेकिन इन सब के टैक्स नहीं कैलकुलेट करने आपको. आपको आपका जो सिलेबस है, बीकॉम का जो सिलेबस है, वो सिर्फ इंडिविजुअल पे रिलेटेड है और सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेटेड ही रेसिडेंशियल स्टेटस या जो भी इसके आगे का हम पढ़ाई करेंगे वो सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेटेड होगी. इंडिविजुअल कौन? मतलब आप और हम जो है वो इंडिविजुअल कहलाए जाते हैं. ओके, और हमको जो भी इनकम हो रही होगी उस इनकम को हम इंडिविजुअल को होने वाली इनकम में क्लासिफाई करेंगे. तो यहाँ पे जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, वो डायग्राम आपने सभी ने बनाना है अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है. रेसिडेंशियल स्टेटस, ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर 6 जो होता है ना वो गवर्न करता है. सेक्शन लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहो तो आप ये याद रख सकते हो कि रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सा सेक्शन कवर करता है, तो सेक्शन नंबर 6. अब इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर 6 के हिसाब से कोई भी पर्सन जो होगा वो दो चीजें हो सकता है. ही कैन बी अ रेसिडेंट, ओके, ही कैन बी अ रेसिडेंट और ही कैन बी अ नॉन रेसिडेंट. ओके, ही कैन बी अ रेसिडेंट और ही कैन बी अ नॉन रेसिडेंट. अच्छा, अगर वो रेसिडेंट है तो वो रेसिडेंट भी दो टाइप के हो सकते हैं. ही कैन बी अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी. अभी आपको लगेगा सर ये क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये कुछ अलग है क्या इसमें, या इसको आप क्या टर्मिनोलॉजी कहेंगे? तो इसको टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आप पूरी तरह से इंडिया में रह रहे हो, सच्चे भारतीय जिसको हम कहेंगे, तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गए. जस्ट एक लाइट लैंग्वेज में मैं कह रहा हूँ, इसको एकदम सीरियसली नहीं रहना. और आप अगर अभी अभी इंडिया में रहने आए हो या अभी अभी शुरुआत हुई आपकी इंडिया में रहने की, तो आपको रेसिडेंट तो कहा जाएगा लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा. इन शॉर्ट, अगर आप एक लंबे टाइम से इंडिया में रह रहे हो तो आप रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों कहलाओगे, लेकिन अगर आप अभी अभी इंडिया में रहने आए हो तो आप एक नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे, और अगर आप इंडिया में रहते ही नहीं तो आप सीधा नॉन रेसिडेंट कहलाओगे. ओके, तो कोई भी पर्सन जो होगा, ओके, कोई भी पर्सन जो होगा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जब हम कैलकुलेट कंप्यूट करेंगे
तो वो इन कैटेगरीज में से जाएगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है यहाँ पे, ओके ध्यान से देखना है, सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होता है कि वो पर्सन जो है वो रेसिडेंट है या कि नॉन रेसिडेंट है। ओके वो पर्सन जो है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ये पता करना होता है सबसे पहले। ओके ये पता कर लिया आपने, उसके बाद अगली स्टेप में आप ये पता करते हो कि पर्सन जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ओके मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस का जो भी सम होगा वो दो पार्ट्स में आपको सॉल्व करना है। पहला पार्ट में आप ये जानोगे कि वो पर्सन जो है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, और उसके बाद अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो ठीक है सम खत्म हो गया, आप उसको NRI बोल दोगे। लेकिन अगर वो रेसिडेंट है तो आपको फिर ये पता करना है कि वो पर्सन फिर अभी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके तो इस तरीके से आपको पर्सन का या इंडिविजुअल का क्लासिफिकेशन करना होता है। ये क्लासिफिकेशन किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए। ओके बाकी जो कंपनीज वगैरह होती है उनमें नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंसेप्ट नहीं होता। कंपनीज जो होगी वो एक तो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी। ओके कंपनीज पे हमको डिस्कशन अभी करना नहीं है, हमारा जो डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेटेड रहेगा। सबसे पहले आप सेक्शन सबसे पहले आप सेक्शन 6 के हिसाब से आप देखोगे कि वो पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। ओके उसके बाद आप एक बार इस्टेब्लिश हो गया कि वो नॉन रेसिडेंट है, मतलब आपका सम वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो रेसिडेंट है तो आपको और आगे जाके ये देखना है कि अब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ओके तो आपका जो भी इनकम टैक्स के कैलकुलेशंस में आप जब भी रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा अब ये जो भी कैलकुलेशन करना है, ओके ये जो भी कैलकुलेशन आपको करना है ये कब कौन से साल के लिए करना है, तो ये पूरे के पूरे कैलकुलेशन जो होते हैं ना वो आपके प्रीवियस ईयर के लिए होते हैं। ओके लिख लो इसको, ये कब होता है कैलकुलेशन? हमेशा प्रीवियस ईयर के लिए। असेसमेंट ईयर के लिए क्यों नहीं होता? क्योंकि असेसमेंट ईयर में तो हम बैठ के टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और कौन से साल का टैक्स कैलकुलेट करते हैं? प्रीवियस ईयर का टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का टैक्स कैलकुलेट करने के लिए वो पर्सन प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट था या रेसिडेंट नहीं था ये जानना हमारे लिए जरूरी होता है। इसलिए रेसिडेंशियल स्टेटस का जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं वो प्रीवियस ईयर के फिगर्स के हिसाब से, प्रीवियस ईयर के स्टे के हिसाब से हम देखते हैं कि वो पर्सन रेसिडेंट कहलाया जाए या नॉन रेसिडेंट कहलाया जाए। ओके तो ये डेफिनेशन, और डेफिनेशन तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, ये डायग्राम आपको समझ में आया क्या? लिख लो ये डायग्राम जल्दी से, मीटिंग खत्म होने वाला है अपना। अच्छा आज मेरा सेकेंड मीटिंग नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा काम है अर्जेंट, तो फिर से कंटिन्यू नहीं करूंगा मैं मीटिंग। इसके आगे का जो डिस्कशन है, मतलब इसके आगे के जो पॉइंट्स है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट्स होगे तो अभी आप पूछ सकते हो मुझे। इससे रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी कि सर ये तो कुछ अलग ही समझा दिया आपने, कुछ समझा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये कैसे होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। इजी है बहुत? ठीक है। अच्छा क्या नहीं, और किसी ने कुछ तो भी पूछा बीच में? हाँ बोलो सर। ये जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उनको टैक्स अलग अलग परसेंट में लगता है क्या? नहीं नहीं, टैक्स रेट सबके लिए एक जैसे होते हैं। टैक्स रेट जो होते हैं ना वो सबके लिए एक जैसे होते हैं। कौन सी इनकम पे किसको टैक्स लगेगा उतना ही हम पता करते हैं, ठीक है। नॉन रेसिडेंट को सिर्फ इंडिया की इनकम पे टैक्स लगेगा, रेसिडेंट जो होंगे, जो स्पेशली जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे उनको अपनी इंडिया की भी इनकम पे, बाहर की भी इनकम पे टैक्स लगेगा। टैक्स रेट सबके लेकिन सेम होते हैं। ओके धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, आप इतना ज्यादा लोड मत लो एक साथ, धीरे धीरे हम चलेंगे क्योंकि टैक्सेशन है, इसको एक दो पांच लेक्चर हमको अगर एक्स्ट्रा भी लेने पड़े तो हम लेक्चर लेंगे, लेकिन इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके okay, आज तक किसी को अभी जो डिस्कस किया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? मीटिंग अभी बंद हो जाएगा क्योंकि मीटिंग अभी बंद हो जाएगा क्योंकि टाइम कम बचा है हमारे पास।